नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी का नया फैसला। आधिकारिक तौर पर टाटा स्टील है बैंकरप्ट कंपनी भूषण स्टील की मालिक। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की बिजनेस से जुड़ी खबरों में आपका बेहद स्वागत है। हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी ने भूषण स्टील को खरीदने की टाटा स्टील की बिड को अप्रूव कर दिया है और कंपनी के कर्मचारियों की पिटीशन को खारिज कर दिया है। इस तरीके से ऑफिशियली अब टाटा स्टील कंपनी ही बैंकरप्ट कंपनी भूषण स्टील की मालिक है। हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि मार्च के महीने में टाटा स्टील कंपनी ने भूषण स्टील कंपनी के लिए हाईएस्ट बिड लगाई थी, लेकिन एम्प्लॉइज और एलएनटी की पिटीशन की वजह से ये ओनरशिप अटकी हुई थी। एनसीएलटी ने हाल ही में एम्प्लॉइज और एलएनटी की पिटीशन को खारिज करते हुए उन पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और इसी के साथ भूषण एनर्जी के भूषण स्टील के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट को जारी रखने का आवेदन भी खारिज कर दिया गया है। दरअसल मार्च के महीने में ही भूषण स्टील के क्रेडिटर्स कमेटी ने ये डील 32,500 करोड़ और 12.27% इक्विटी के साथ अप्रूव कर दी थी और आईबीसी कानून के मुताबिक टाटा स्टील सबसे पहला और सबसे हाईएस्ट बिडर बन गया था। और इस तरीके से 2 महीने की मशक्कत के बाद एनसीएलटी ने कर्मचारियों और एलएनटी के पिटीशन को खारिज करते हुए भूषण स्टील को टाटा स्टील के नाम कर दिया है। यानी कि एनसीएलटी के नतीजे के बाद भूषण स्टील अब टाटा स्टील के ओनरशिप में आ गया है। तो चलिए इसी के साथ दीजिए बिजनेस की खबरों से इजाजत। इस तरह की ताजी तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन। फिर हाजिर होंगे जल्द ही खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।